सब्सक्राइब करें JKDC Info YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाइए DTH के रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो हे गाइस, वेलकम टू JKDC Info YouTube चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है जयेश कुमार और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोनोब्लॉक LNB के साथ डायसेक्स स्विच को कैसे यूज करें। तो जी हाँ दोस्तों, पिछले वीडियो के बाद बहुत सारे दोस्तों का सवाल आ रहा था कि मोनोब्लॉक LNB को 4 फोट वाली डायसेक्ट के साथ कैसे इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, इसके अंदर 2 LNB होते हैं मोनोब्लॉक LNB के अंदर, और इसके अंदर एक डायसेक्ट ऑलरेडी लगी होती है। और ऐसे में दोस्तों 4 फोट वाली जो डायसेक्ट होती है इसके साथ कैसे यूज़ करें, दोनों LNB को साथ में कैसे सिग्नल लाए। तो ये सवाल दोस्तों बहुत सारे दोस्तों का रहता था, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने 8 फोट वाली जो डायसेक्ट का सेटिंग दिखाया उसके अंदर तो सभी दोस्त जो है वो समझ गए कि किस तरह से करना है, लेकिन 4 पोर्ट वाली जो डायसेक होती है उसके अंदर इसका सेटिंग कैसे करना है ये थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो मुश्किल नहीं है, मतलब थोड़ा सा एक सेटिंग है जिसके अंदर आपको कुछ इस तरह से कनेक्टर जॉइंटर का आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर आप टी जॉइंटर का यूज़ कर सकते हो, और मेरे पास यहाँ पर दोस्तों ऑलरेडी एक ऐसा जॉइंटर है जिसके अंदर 2 वोट मिलते हैं हमें। एक जैसे यहाँ पर मैंने एक बार आपको दिखाया था कि LNB को कैसे बचाए, उस वीडियो में मैंने ये लगाया था। तो यहाँ पर दोस्तों हमें जो LNB का जो आउट मिलता है वो 1 मिलता है, लेकिन इसे लगाने के बाद यहाँ पर हमें दोस्तों 2 आउट मिल जाएंगे। ये देख लीजिए, यहाँ पर एक यहाँ पर और 1 आउट इस LNB के लिए। तो दोनों LNB का आउट कैसे ले लें, तो उसके लिए दोस्तों आपको सिंपल यहाँ पर दोनों सिरे के अंदर आपको जो है वो वायर लगा देना है। तो एक तो दोस्तों यहाँ पर इस साइड में मैं लगा देता हूँ, एक दूसरा वायर जो है वो हम लगाएंगे दूसरी साइड। तो चलिए यहाँ पर मैं कनेक्शन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से आपको भी कनेक्शन कर लेना है। और मोनोब्लॉक LNB के अंदर आप सभी को मालूम है कि 2 LNB लगी होती है, और उसके अंदर एक ऑलरेडी डायसेक लगी होती है जो कि 1.0 होती है, और उसको हमें 1.0 वाली और एक डायसेक के साथ कनेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे उसको, तो यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान से वीडियो देखें, पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए मेहमान हैं, पहली बार ही आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर करें ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। तो दोस्तों, अब यहाँ पर हमारे पास 2 वायर मिलते हैं, एक इस साइड का और एक इस साइड का। ठीक है, तो अब दोनों वायर को दोस्तों हमें कनेक्ट करना है डायसेक के साथ। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 वायर हमने यहाँ पर से निकाले हैं, तो दोनों वायर को डायसेक के साथ यहाँ पर से आपको कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पोर्ट 1 और पोर्ट 2 में यहाँ पर से कनेक्ट कर रहा हूँ वो भी। तो चलिए यहाँ पर से मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, किसी डायसेक में यहाँ पर 4 पोर्ट की जगह पर 1, 2, 3, 4 की जगह पर ABCD भी हो सकता है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो है मेन बात ये है कि आपको जो यहाँ पर 2 अलग अलग वायर करके आपको डायसेक के अंदर लगा देना है, और एक आपका जो LNB आउट यहाँ पर से एक हमें मिलता है, यानी कि रिसीवर के अंदर देने का वायर, तो यहाँ पर रिसीवर का वायर आपको लगा देना है। और सिंपल है दोस्तों, यहाँ पर कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपल ही है कि यहाँ पर आपको जो है वो 2 वायर मिलेंगे, और 2 वायर को 1 यहाँ पर से हो जाएगा, और छोटा सा एक सेटिंग है जो कि आपको करना होगा सेटअप बॉक्स के अंदर, तो वो भी मैं चलिए आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप अच्छी तरह से कनेक्शन कर लें, जैसे आप दूसरे डिश के साथ कनेक्शन करते हैं वैसे। यहाँ पर आप समझ लो कि आपके यहाँ पर से 2 अलग अलग सेटेलाइट के सिग्नल आ रहे हैं, और दोनों आपने यहाँ पर लगा दिए, और साथ में यहाँ पर आपको जॉइंट होकर आपको 1 वायर मिल रहा है जो कि आपके रिसीवर के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया है यहाँ पर परफेक्ट एकदम यहाँ पर से कनेक्शन। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं डिश की, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ लुक आ रहा है, यानी कि ये यहाँ पर हमने 1 LNB के अंदर 2 वायर इस तरह से लगाए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप जॉइंटर का यूज़ कर सकते हैं, 3 पोर्ट वाली, 4 पोर्ट वाली, कुछ कोई भी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो सेटिंग है कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर पोर्ट 2 में हमने ABS लगाया है, तो यहाँ पर पोर्ट 2 हम रखेंगे, तो आप देख सकते हैं ABS पर सिग्नल हमारे रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर साइड LNB की, जो कि पोर्ट 1 में है, और पोर्ट 1 में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं सिग्नल आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको चैनल भी स्कैन करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हो, यहाँ पर मैंने 1 TP को स्कैन कर लिया, तो यहाँ पर TP जो है वो स्कैन हो रही है, क्योंकि पूरा सेटेलाइट स्कैन करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। बाकी आप इस तरह से समझने के लिए दोस्तों ये सेटेलाइट मैंने किए है। बाकी कुछ फ्रेंड बोल रहे हैं कि भाई इस सेटेलाइट में क्या है और ABS पे क्या है,
तो समझने के लिए आप बाकी कोई भी साथ में सैटेलाइट मोनोब्लॉक के साथ यूज कर सकते हो। और दोस्तों LNB 1 पर जो भी सैटेलाइट होगा उसे आप ऑफ रखेंगे तब भी उसके सिग्नल मिलेंगे, और या फिर पोर्ट 1 करेंगे तब भी उसके सिग्नल मिलेंगे, लेकिन पोर्ट 2 करेंगे तो आपको ABS के सिग्नल मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई आगे की वीडियो में भी, और यहाँ पर भी आप समझ लें, जैसे कि ABS पोर्ट 2 में लगा है तो यहाँ पर एक में नहीं आएगा, और ऑफ में रखेंगे तो सिग्नल नहीं आएगा, यहाँ पर आपको पोर्ट 2 ही रखना है अगर आपको ABS के सिग्नल चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ABS के चैनल बी में एक TP स्कैन करके आपको दिखा देता हूँ कि नहीं वाकई में यहाँ पर ये चैनल भी चल रहे हैं। ठीक है, तो बाकी दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि JKDS Info YouTube चैनल पर हमेशा जेन्युइन वीडियो ही मिलते हैं, तो अगर आप भी नए मेहमान हैं, पहली बार ही यहाँ पर आए हैं चैनल पर, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आपको नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहे। ठीक है, तो ये दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ABS की चैनल भी यहाँ पर से चल रही है, और साथ में दोस्तों यहाँ पर सिग्नल क्वालिटी भी आप देख सकते हैं, इंडिकेटर एकदम सिग्नल यहाँ पर जो भी जितने भी मिल रहे हैं वो एकदम परफेक्ट यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप डायसेक को मोनोब्लॉक LNB के साथ यूज़ कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर अगर हम बात करें यूटेलसैट 70B, तो ये भी दोस्तों यहाँ पर से एकदम आराम से चल रहा है, और सिग्नल में कोई भी यहाँ पर से कोई भी दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से दोनों के दोनों सेटेलाइट एक ही साथ चल रहे हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया है, और अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। बाकी मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।